आसान तरीके से बहुत ही मजेदार। तो मेरे साथ बने रहें और स्टेप्स को फॉलो करें। पहले हमने ये एक ग्रेटर लिया है जिसमें तीन साइज की जालियां हैं। ये मीडियम साइज है, ये सबसे बड़ी वाली जाली है और ये सबसे छोटी है। तो हम इस मीडियम साइज जाली से इन गोभी को ग्रेट करेंगे। ये गोभी हमने एक मीडियम साइज गोभी से आधा हिस्सा लिया है और इसे हमें सबसे पहले ग्रेट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसे हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और ध्यान ये रखना है कि फूल बड़े बड़े रहें ताकि इसे घुमा घुमा कर आसानी से घिसा जा सके। ज़्यादा फूल छोटे होंगे तो दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमने सारी गोभी को कद्दूकस कर लिया है, देखिए। और ये इतना बेकार का पार्ट निकल गया है, इसके नरम फूल से ही ये पैटी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब इसे एक बर्तन में डाल लेना है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम शामी कबाब में डालते हैं। अगर आप एग लवर हैं तो आप इसमें होल एग भी डाल सकते हैं। और ध्यान रहे कि गोभी में अपना पानी भी होता है, तो अगर आप चाहें तो गोभी में थोड़ा सा नमक लगाकर आप इसे निचोड़कर इसका थोड़ा पानी निकाल सकते हैं। अंडे की स्मेल को वैनिश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नटमेग डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। दूसरा इंग्रेडिएंट है चूड़ा, जिसे चेवड़ा या पोहा भी कहते हैं। इसे मैंने पानी में थोड़ी देर सोख कर लिया है, अब ये फूल चुका है तो थोड़ा सा इसमें हम ये डाल देने वाले हैं। ये भी गोभी के पानी को जज्ब कर लेगा। एक टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल रहे हैं, अगर आपके पास है तो इसे डाल लें, ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर आपके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें बेसन भी डालते हैं, या ब्रेड को हाथों से निचोड़कर बारीक करके भी आप इसमें मिला सकते हैं। अब बारी है इसके टेस्ट को बढ़ाने की। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज प्याज को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ, जिस तरह से आमलेट में डालते हैं। साथ ही थोड़ा सा अदरक डाल देना है, एक या दो हरी मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल लें, और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ, बाद में चक्कर और मिलाना होगा तो मिलाया जा सकता है। और ध्यान रहे कि हमेशा नमक आप इसी तरह के जार में रखें, शीशे के बर्तन में रखें, कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें। और इसे इसी वक्त आप लागू करें घर में, और उसके लिए एक टेम्पररी नमकदान बना लें, जिसे किसी कप में नमक रखकर ढक्कन लगा कर रख लें। ये बहुत ज़रूरी है, नमक को हमें कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर ढेर सारी चॉप धनिया की पत्ती डाल रहे हैं। आप यहाँ पर पुदीना के पत्ते या मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं, सोया के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए ये मसाले इसमें डालेंगे। सारे मसाले हैं इसमें, हल्दी, धनिया, ये हींग है, क्रस्ट चिल्ली है, ज़ीरा पाउडर है और चाट मसाला है। सब अपनी पसंद के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है और चाट मसाला भी हमने लगभग उतना ही डाला है। बाकी चीज़ें आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो जो कुछ आपको पसंद है यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए, इसे भी मैंने मिला लिया। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको लगे कि ये अभी भी लीजली जैसा है और इसकी पैटीज बनना मुश्किल है, तो आप इसमें
थोड़ा सा ब्रेड क्रम और मिला लें या कॉर्नफ्लोर बढ़ा लें। ये बहुत अच्छी अच्छी पैटीज बनती है इससे। और उन लोगों को जिन्हें ग्लूटन से कुछ दिक्कत है या जो ज़्यादा सब्जी खाना चाहते हैं, इस तरह की पैटीज बनाकर उन्हें खिलाया जा सकता है। इसके लेमन से थोड़ा बड़े साइज का मैंने गोला लिया है और इसे गोल करके हथेली पर चपटा कर देना है। आपको जितनी बड़ी पैटीज चाहिए उसी हिसाब से आप इसका गोला ले लें और उसे दबा दें या फिर अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी शेप दे दें और ये बहुत आसानी से बन जाता है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। एक थिक बॉटम स्केलेट में सरसों का तेल गरम करें और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें अपनी बनी हुई पैटीज को डाल दें। मैं यहाँ इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब ये पैटीज एक तरफ से कुछ पक चुकी है तो आप इसे पलट लें। देखिए ये कितनी आसानी से अलट पलट हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डीप फ्राई फूलगोभी की पकौड़ी से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा हेल्दी भी। अब गर्मा गर्म पैटीज को प्लेट में निकाल लें। देखिए है ना ये कितना आसान और कितनी कम देर में ये पक गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट में ये पककर रेडी हो गया है और दोनों तरफ से ये क्रिस्प है, बिल्कुल बंधा हुआ, टूटने का कोई डर नहीं। शाम के स्नैक्स में परोसे या फिर आप सुबह के नाश्ते में बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसे वीकेंड पर आप बना कर रख सकते हैं और पूरे वीकडेज में इसे तल कर और आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है ये टिक्की और बहुत ही टेस्ट भी इसका मज़ेदार होता है। तो इसे एक बार आप बनाएं और लोगों के सामने इसे पेश करें। इसे केचप और प्याज और मिर्चों वाली कचूमर के साथ पेश करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। ख़ास के ये सिरके वाली प्याज तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं। और अगर पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।